स्थिर भाव स्थिति में हम सब श्री नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में चर्चा करेंगे और उनके जीवनी के बारे में हम थोड़ा उनके जीवन से कुछ शिक्षा लेने की कोशिश करेंगे जो हम सबके भक्ति जीवन के लिए लाभप्रद हो। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सब? आवाज जी बिल्कुल क्लियर है आपकी वॉइस। तो नरोत्तम दास ठाकुर के जो लीलाएं हैं और उनकी जो जीवनी है तो इसके बारे में अलग अलग ग्रंथों में वर्णन किया गया है। जिस तरह से एक ग्रंथ के नाम है नरोत्तम विलास, जिसमें द्वादश विलास है, जिसमें अलग अलग चैप्टर्स होते हैं, और एक है प्रेम विलास है, और एक है भक्ति रत्नाकर में भी वर्णन किया गया है। प्रेम विलास, नर्तम विलास, भक्ति रत्नाकर, नर्तम विलास, तो इसमें वर्णन किया गया है नर्तम दास ठाकुर के जीवन के बारे में। तो हम सब ग्रंथ तो एक साथ में अध्ययन कर नहीं पाएंगे और सबसे तो कोट नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम एक कक्षा में उनकी पूरा जीवन के बारे में जान रहे। तो हम इतना मतलब खत्म करने का कोशिश नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे इस लीला से कुछ लीला को आस्वादन करें, और जरूरत पड़े तो हम दूसरा सेशन भी ले सकते हैं इसके ऊपर। क्योंकि वैष्णव के बारे में श्रवण करना, अगर हम भक्ति में, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण की लीला श्रवण करने से हमारा हृदय शुद्ध होता है, लेकिन अगर वैष्णव की लीला हम श्रवण करें तो उससे भी तुरंत शुद्ध हो जाता है। तो इसलिए यह बहुत जरूरी है, भक्त के बारे में हमको श्रवण करना चाहिए। और नरोत्तम दास ठाकुर जैसे भक्तों के बारे में अगर हम श्रवण करें तो जो हम बोल रहे हैं, जो सुन रहे हैं, सबकी मंगल है। तो इसलिए सबके मंगल के लिए आज हम श्रील नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में चर्चा करते हैं। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर अगर इंग्रेजी साल देखे तो हाँ 1531 मतलब 1531 साल में जनवरी महीने में उनकी जन्म हुई है। स्पेसिफिक डेट कोई भी ग्रंथ में नहीं दिया गया है, तो लेकिन जनवरी महीने में उनके पिताजी के नाम थे कृष्णानंद दत्ता, और उनके माताजी के नाम है श्री नारायणी देवी। और नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में प्रेम विलास ने कहते हैं श्री कृष्ण नामामृत वर्षी वक्र चंद्र प्रभादस्ततम भराय गौरांग देवान चराय तस्मै नमः नमः श्रील नरोत्तमाय। तो एक दिन क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद, आप सब जानते हैं, जब वह जगन्नाथपुरी जा रहे थे, जगन्नाथपुरी जाने के टाइम हरे चैतन्य, हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण, म्यूट कर दीजिए आप आपको। तो आप सब जानते हैं जैसे नरोत्तम श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद नीलाचल जब जा रहे थे, तो उस टाइम पे जाते हुए नीलाचल चैतन्य महाप्रभु गौर देश मतलब बांग्लादेश में रामकेली, जो जशरी जिला में रामकेली है जहाँ रूप सनातन रहते थे, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी, उनसे मिलने के लिए जा रहे थे। और जब उनके मिलने के बाद जब वापस आ रहे थे, आने के बाद कनाई नाथशाला है और मायापुर में ही है, आप सब जो जो गौरमंडल परिक्रमा में जाएंगे तो आप लोग देख सकते हैं। कन्हाई नाथशाला में चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, वहाँ आप जानते चैतन्य महाप्रभु की हर दिन इस तरह से नित्य कीर्तन होता था। तो नित्य कीर्तन होने के नाते तो चैतन्य महाप्रभु बहुत जोर जोर से कीर्तन कर रहे हैं, नित्य कर रहे हैं, एंड नित्यानंद प्रभु भी कर रहा है, चैतन्य महाप्रभु के जितना पार्षद है सब नित्य कीर्तन कर रहा है। तो अचानक चैतन्य महाप्रभु खनाई नक्शाला से उल्टा साइड में है, मतलब इसके ऑपोजिट साइड जो डायरेक्शन है उस तरफ है खेतुरी गांव, जिस ग्राम में नरोत्तम दास ठाकुर की जन्म हुआ है। तो खेतुरी, श्री खेतुरी धाम, ये राजशाही जिला में है बांग्लादेश में। तो चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, इस तरह से खेतुरी गांव की तरफ देखकर चैतन्य महाप्रभु कहते नरोत्तम नरोत्तम, बल्कि रोते रहते। नित्यानंद प्रभु और सारे जितना उनके
साथी है, संगी है, सब लोगों को लगा ये नर्तम नर्तम क्यों कह रहे हो, मतलब ये नर्तम कौन है? तो सबको लगा ये नर्तम कौन है। तब नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु से पूछते हैं ये नर्तम कौन है। तो इसके बारे में प्रेम विलास की अष्टम विलास में, प्रेम विलास जो ग्रंथ है उसकी जो 8 विलास है, तो उसमें कहते हैं एक दिन महाप्रभु कीर्तन नाचिते नरोत्तम नाम कही डाके अचंबिते नित्यानंद अंगे प्रभु अंग हेलैया कत शत धारा भये नयन भैया। तो कहते एक दिन महाप्रभु कीर्तन नाचिते, एक दिन महाप्रभु कीर्तन में नाचते हुए नरोत्तम नाम कही डाके अचंबिते, और महाप्रभु भाव में आकर नरोत्तम नरोत्तम कह रहा है। और महाप्रभु क्या कर रहे हैं, नित्यानंद प्रभु की गुद पर मतलब इस तरह से नरोत्तम नरोत्तम करके गिर रहे हैं और उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। तो इस तरह से नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु को पकड़ के जोर से कहते जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ करते हैं। तब जब जगन्नाथ जी के नाम सुने तब श्री चैतन्य महाप्रभु फिर से कंशस मतलब चैतन्य में फिर वापस आ गया है। और महाप्रभु तब आने के बाद क्या करते हैं, इस तरह उस तरह देखते रहते। देखने के बाद महाप्रभु कहते नरोत्तम बोले प्रभु कांदे अनुक्षण दिगो ने हरे प्रभु ना देखे नरोत्तम। तो नरोत्तम को देखकर चैतन्य महाप्रभु क्या कर रहे हैं, नरोत्तम के नाम बल के चैतन्य महाप्रभु रो रहे हैं, रो रहे हैं और क्या कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु इधर उधर ढूंढ रहे हैं। तो देखे नरोत्तम कहाँ है, नरोत्तम को मिल नहीं रहा है, तो फिर से और रोने लगते हैं। तो इस तरह से महाप्रभु इस तरह से बाबा वेश में आ गए। तब नित्यानंद प्रभु पूछते हैं अच्छा महाप्रभु ये नरोत्तम नाम से तो हमारे साथ कहीं है ही नहीं, तो आप ये नरोत्तम नाम क्यों कह रहे हैं, नरोत्तम नरोत्तम क्यों आप पुकार रहे हैं? तब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु कहते प्रभु को है गरेरो हाट बरो शुकेरो स्थान देखिले तुम्हार ताकि बे हवे मान सुनो सुनो श्रीपाद कही विवरिया प्राण धन संकीर्तन राखीते चाहिया। चैतन्य महाप्रभु कहते नित्यानंद हमको बहुत तुरंत ही हमारा जो अवधि है इस पृथ्वी में रहने के लिए लीला खत्म करके हमको जाना पड़ेगा, तो हम जो प्रेमा भक्ति आस्वादन की और देने के लिए आए हैं तो इसके लिए कोई आचार्य चाहिए जो इस जो प्रेम भक्ति उसको सामने आगे लेके जा सकते हैं। तो महाप्रभु क्या कहते हैं सुनो सुनो श्रीपाद कही विवरिया, और श्रीपाद और नित्यानंद प्रभु आप सुनो मैं आपको बताता हूँ, ये जो प्राणदान संकीर्तन ये जो संकीर्तन है उसको मैं रख के जाना चाहता हूँ यहाँ। तो बोलते अच्छा नवद्वीपे संकीर्तन हरिला प्रकाश गौर देशे चारी अमार नीला चलेवास अतपर संकीर्तन चाहिए राखी बारे गरेरा हाटे तो ही प्रेम कहिला तुम्हारे। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं देखो नित्यानंद प्रभु मैं क्या मेरे तो जन्म हुए मायापुर में लेकिन मैं संन्यास लेने के बाद नीलाचल चला गया जगन्नाथपुरी में, तो इस गौर में जो प्रेम है उसको मैं रख के जाना चाहता हूँ। तो इसलिए तब नित्यानंद प्रभु पूछते अच्छा तो इस तरह से कोई है क्या आपके दिमाग में? तो बोलते हाँ वही तो इसकी तो नाम तो पुकार रहा था मैं, वो कौन है? नरोत्तम दास। तो उनकी जन्म होगा एक खेतुरी गांव में। तो नित्यानंद प्रभु को चैतन्य महाप्रभु कहते प्रभु कहे श्रीपाद बुझी कहो भावना अपना गुण तुम्हें ना जानो अपना नीला चला जाते जत कान्दी आछो तुम्हें सेई प्रेम दिने दिने बांधी आछे आमी। तो चैतन्य प्रभु कहते हैं नित्यानंद प्रभु जब आप हम नीलाचल जा रहे थे तो आपको पता नहीं आपकी आप कौन सा मूड में भगवान के नाम की कीर्तन कर रहे थे, आप इतना प्रेम में डूब गए थे लेकिन मैंने सारे नोटिस किया और सारे प्रेम मैंने कलेक्ट किया करके राखा में बांधी आछे आमी सेई प्रेम दिने दिने बांधी आछे मतलब सारे पुटला में मतलब भर के मैंने रखा। तो नित्यानंद को कहते हैं तो नित्यानंद कहते ठीक है तो क्या करेंगे अभी? तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं सुनो मेरे प्लान अभी कुछ एक्शन प्लान करते हैं। बोलते शे प्रेम राखीबो आमी पद्मावती तीरे नरोत्तम नामे पात्र दिबो आमी तारे। तो कहते पद्मावती जो है जो केथुरी गांव है उसके पास ही है गंगा, गंगा ही है गंगा की एक पार्ट है उसके नाम है पद्मावती, पद्मा नदी कहते हैं उसको। तो पद्मावती जो नदी है तो उसमें मैं प्रेम रखूंगा और नरोत्तम नाम से जो भक्त आएंगे उनको दूंगा मैं। तो
प्रेमे जन्म हवे तार आमा विद्यमाने एकने रही एकाने रखिया जाबो पद्मावती स्थाने। ये जो प्रेम है ये मैं पद्मावती में रख के जाऊंगा और नरोत्तम दास ठाकुर प्रेम लाभ करूंगा। तो उसके बाद सारे डिवोटीज पद्मावती में जाते हैं और जाने के बाद नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु और सारे भक्त उस पद्मावती में नहाते हैं। आप सोचो स्वयं भगवान अगर कोई नदी में नहा रहा है तो उसकी हालत कैसे होगा। तो पद्मावती इतना प्रसन्न हो गया, इतना प्रसन्न हो गया, इतना कीर्तन, तो इसके जो जल है वो ऊपर उछलने लगे। ऐसे मानो जिस तरह से जगन्नाथपुरी में हम देखे इतना बहुत जोर जोर से जो वेव से है ना वो आते हैं, लहर आते हैं, तो इस तरह से वो उसके जो नदी की जो जल है वो और उसके आसपास में गांव में भी मतलब इतना जल ऊपर पानी इतना ऊपर उड़ रहे थे पूरा गांव को भी मतलब गांव में भी ऐसे मानो बांध आ गया है। तो इस तरह से तो श्री तो पद्मावती आविर्भाव मतलब आविर्भूत होती है। पद्मावती मतलब गंगा देवी है, उनकी एक शाखा है। तो पद्मावती कहती है हे चैतन्य महाप्रभु आपकी मेरे लिए क्या आदेश है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं प्रभु कहे पद्मावती नरोत्तम नामे पात्रो प्रेम तारे दिहो। तो चैतन्य महाप्रभु कहते ओहे पद्मावती और पद्मावती धर ये पकड़ो प्रेम ये प्रेम पकड़ो आप और खुद रखो। तो बोलते पद्मावती ठीक है किसको देना है। तो बोलते नरोत्तम नामे पात्रो प्रेम तारे दिहो और नरोत्तम दास ठाकुर नाम से भक्त है पात्र आएंगे उनको ये प्रेम देना। नित्यानंद सह प्रेम राखी लो तुम स्थाने जत्न करी यह तुम्हें राखी भागुपने। तो कहते नित्यानंद और मैं और जितना सारे भक्त है सब मिलके ये प्रेम तुम्हारा पास रख के जा रहा हूँ और उसको गोपन मतलब छुपा कर रखना मतलब किसी को मत देना नरोत्तम के बिना। तो आप सोचिए पद्मावती के मन में क्या प्रश्न आ सकते हैं, नरोत्तम कौन है, नरोत्तम को कैसे पहचानेंगे आप, है ना। तो पद्मावती कहती है हे प्रभु मैं कैसे पहचानूंगी नरोत्तम दास ठाकुर कौन है, बहुत सारे लोग आएंगे नहाने आएंगे तो मैं कैसे पहचानूंगी नरोत्तम कौन है उसमें से। तो चैतन्य महाप्रभु कहते जहर परशे तुम्हें अधिक उछलिबा से नरोत्तम प्रेम तारे तुम्हें दिवा। कहते जो इस तरह से बहुत व्यक्ति तुम्हारा पास नहाने के लिए आएंगे लेकिन जिस व्यक्ति जब नहाने का आपको पास आएंगे और आपकी पानी तब उछालने लगेगा तब तो आप समझ जाना वो कौन है अनुरुत्तम है और उसको प्रेम देना। तो पद्मावती कहते ठीक है प्रभु मैं ये करूंगी। चैतन्य महाप्रभु वहां प्रेम रखकर और चले जाते हैं। तो 1531 जनवरी महीने में नरोत्तम दास ठाकुर के आविर्भाव होते हैं शिखेतुरी गांव में। और जब उनके आविर्भाव हुए हैं आविर्भाव होने के बाद वो इतना सुंदर देखने में क्योंकि देखिए भगवान की पार्षद है ना ऐसे कहते हैं श्यामानंद प्रभु श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य प्रभु की इनकार्नेशन है क्योंकि कृष्णा भक्ति को सामने लेके जाने के लिए। तो नरोत्तम दास ठाकुर है नित्यानंद प्रभु की शक्तावेश उनकी शक्ति लेकर क्योंकि ये जो प्रेम है नित्यानंद प्रभु की प्रेम तो आप समझ सकते जो भगवान की शक्तावेश अवतार है और तो उनकी क्या महिमा हो सकते है। तो बचपन से उनको देखने में इतना सुंदर थे तो सब बहुत प्यार करते थे मतलब। तो इस तरह से आप जानते हैं नरोत्तम दास ठाकुर की बचपन मतलब बचपन की लीला हो रहे थे। तब एक दिन आप जानते अन्नप्राशन होते जानते हैं सब लोग अन्नप्राशन क्या है मतलब जो बच्चे को पहले बार ग्रेन खिलाया जाता है ना। तो उस दिन क्या किए उस दिन एक लीला हुआ उस दिन हुआ था क्या नरोत्तम दास ठाकुर कैसे नॉर्मल फूड है मतलब नरोत्तम दास ठाकुर को दे रहे थे नरोत्तम दास ठाकुर खा नहीं रहे सारे फेंक देते पता नहीं नहीं खाएंगे नहीं खाते नहीं खाते नहीं खा रहे। तो सबको लगा उनको मम्मी को लगा उनके कृष्णानंद को लगा जो राजा है उनको लगा तो मतलब समस्या कहाँ है खाना तो अच्छा बने है खा क्यों नहीं रहा है उसकी कुछ बीमारी है क्या भूत पकड़ लिया क्या। तो वह एक ब्राह्मण थे तो ब्राह्मण कहते नहीं नहीं एक्चुअल में क्या है ये जो लड़का है वो विष्णु प्रसाद बिना किचु ना ग्रहण करेगा ये विष्णु प्रसाद छोड़ के भगवान के प्रसाद छोड़ के कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे
तो इसलिए एक काम करो, भगवान को जो ऑफर किया है वो लेके आओ, उसके बाद उसको दो। तो इस तरह से कृष्णानंद जाते हैं, कृष्णानंद जो राजा है वो जाते हैं और लेके आते हैं भगवान के प्रसाद, तब देते, तब वो अपने नर्तन दर्शक खाने लगते हैं। तो इसके माध्यम से हमें शिक्षा ले सकते हैं, जो हमारा देखिए हमको भी प्रसाद और कुछ नहीं खाना चाहिए। इवन हमारा जो शिल प्रभुपाद जी है, आप जानते हैं उनकी बचपन की एक लीला होता है, जब प्रभुपाद जी की बीमारी हो गए थे तो प्रभुपाद जी को चिकन की सूप खिलाना चाहते थे डॉक्टर, लेकिन प्रभुपाद जी नहीं खाए, ऑल्दो ही वाज वेरी चाइल्ड, उनको पता ही नहीं था। तो प्रभुपाद जी को तो वैसा नहीं जानकारी थे चिकन सूप है, प्रभुपाद बहुत छोटे थे, है ना। तो इस तरह से नरोत्तमदास ठाकुर भी लीला कर रहे थे। तो जब उनको 5 साल उम्र हुई तो एक कायस्थ समाज में यह रिचुअल्स है, 5 साल जब उम्र होते तो कान को छेद करते हैं, उसके बाद यह रिंग पहना जाता है, भले लड़का लड़की कोई भी हो। तो नरोत्तमदास ठाकुर के भी कर्णवेद अनुष्ठान हुआ, उसके बाद आस्ते धीरे धीरे वो बड़े होने लगे। लेकिन बड़े होते होते जब उनकी उम्र 12 साल है, तब उनके मन में इतना वैराग्य आ गया है, उनको इच्छा नहीं होता इस संसार में रहने के लिए, है ना। उनको मन में आया मैं कब वृंदावन जाऊंगा, कब वृंदावन जाऊंगा, मुझे यहाँ रहने पसंद नहीं आ रहा है। और उस तरह उनके जो पिताजी हैं वो देख रहे हैं मेरे लड़का इतना सुंदर है और इतना शास्त्रों में पंडित है, बस 12 साल उम्र में सारे ग्रेजुएशन कम्प्लीट कर लिए, है ना, तो मतलब उसको शादी करवा देना चाहिए। उधर पिताजी सोच रहे शादी करवाएंगे और लड़का सोच रहे वृंदावन जाएंगे। तो इस्कॉन के बहुत सारा भक्त के जीवन में भी ऐसा है, ब्रह्मचारी के जीवन में ऐसा है, पिता माता तो चाहते शादी करवाना और लड़का चाहते हैं मंदिर में ज्वाइन करना। तो इस तरह से नरोत्तमदास ठाकुर की शादी है। तो नरोत्तमदास ठाकुर उनके पिता माता को कहते प्लीज मुझे नहीं करना है, मुझे रहना नहीं, मुझे वृंदावन जाना है। इस तरह से नरोत्तम बहुत दुखी रहते थे। तो उस दिन रात में जब वो सो रहे थे तो सपने में नित्यानंद प्रभु आए। नित्यानंद प्रभु आने के बाद नित्यानंद प्रभु कहते हैं, सुनिए हम पढ़ते हैं प्रेम विलास में क्या लिखा है, क्या क्या कहते हैं, शेयी रात्रे स्वप्ने आशी प्रभु नित्यानंद बक्ष स्थले हाथ दिया हाशे मंद मंद। उस रात को नित्यानंद प्रभु आते हैं और आने के बाद नरोत्तमदास ठाकुर की चेस्ट पर मतलब बक्ष पर हाथ रखकर हंसते रहते हैं और मतलब मंद मंद मुस्कुराते रहते हैं और कहते हैं नरोत्तम तुम तो बढ़िया निश्चिंत में, कोई टेंशन नहीं है तुम्हारा, मतलब बढ़िया से तुम खा पी सो रहा है भाई, तुम्हारा पता है तुमको कौन सा मिशन के लिए हमने बुलाया है। तो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं प्रभु मुझे पता है। तो नित्यानंद प्रभु कहते कि निश्चिंत है आज तुम्हें शोभा पाशन ले, तुम तो निश्चिंत में सो रहा है भाई, तुमको याद नहीं क्या, पद्मावती स्थाने प्रेम लौगा सकाले, सुबह सुबह जाओ पद्मावती में जाके नहाओ और प्रेम लाभ करो, प्रेम तुम्हारे लिए हम वहां रख के गए हैं, यह क्यों सो रहे हैं। तो दूसरा दिन सुबह सुबह नित्यानंद प्रभु की जो स्वप्न देखे हैं तो नरोत्तमदास ठाकुर सुबह सुबह उठ जाते हैं। राजा की लड़का थे तो उनके आसपास में लोग रहता था हमेशा, लेकिन सुबह सुबह जब उठे उठने के बाद नहाने चले गए पद्मावती में और पद्मावती में नहाने जाने के बाद वो क्या करने लगे, पद्मावती को पहले प्रणाम किए, उनकी प्रार्थना किए और जाके जोर जोर से नित्यानंद गौरंग नित्यानंद गौरंग से वो नाम जप करने लगे। तब आस्ते आस्ते वो पद्मावती में जो भी उनके उनने पैर रखे उनके चरण का स्पर्श किया तो भी पद्मावती की जो जल है जो पानी है उछलने लगे। तो पद्मावती समझ गए हैं जो चैतन्य महाप्रभु क्या बोले थे, जब नरोत्तमदास ठाकुर आएंगे और हम टच करेंगे मेरे पानी को तो भी ये पानी उछालने लगेगा। तब तो ये कहते हैं तुम्हारे निमित्त, तो पद्मावती नरोत्तमदास ठाकुर को बताते हैं तुम्हारे निमित्त प्रेमो चैतन्य गुसाय रखिया चे शे प्रेम लो मुरटाय। तो पद्मावती क्या कहती है, कहते हैं तुम्हार निमित्त प्रेम चैतन्य चैतन्य गुसाई, चैतन्य गुसाई तुम्हारा लिए प्रेम जो है वो मेरे पास रख के गए हैं तो ये प्रेम तुम लो। तो इसके माध्यम से हम ये समझ सकते हैं, हमको ये शिक्षा लेना चाहिए एज ए प्रीचर एज ए इस्कॉन डेवोटी, हम सबको भी शिल प्रभुपाद प्रेम देकर गए हैं, है ना, और प्रभुपाद ने ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दिए है
वी शुड प्रीच टू अदर्स एंड गिव दैट वेरी सेम प्रेमा टू अदर्स। तो ये कार्य सिर्फ नरोत्तमदास ठाकुर के लिए नहीं है, ये कार्य सिर्फ पद्मावती के लिए नहीं है, ये कार्य हम सब के लिए है। क्योंकि प्रेम क्या है, गोलोकेर प्रेमदन हरिनाम संकीर्तन, गोलोक की प्रेमदन क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये हरिनाम संकीर्तन प्रेमदन है। तो अगर ये प्रेम धन हमारे पास है, हमेशा नहीं बोल सकता हमारे पास नहीं है, हमारे पास है, तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनता है। पद्मावती क्या बोलती है, रखी अच्छे शे प्रेम लो मुरटाई, मेरे पास वो प्रेम है तो तुम लो। तो हम सबके पास है हरे कृष्ण, सब जानते हैं हरे कृष्ण महामंत्र, सब करते हैं हम हरे कृष्ण महामंत्र जब, तो हम क्यों ना दूसरे को बताएं। तो इसलिए जब भी हमको मौका मिले तो हमको प्रचार करना चाहिए। तब पद्मावती नरोत्तम को बताए हैं ये प्रेम ग्रहण करो और सब जगह में जाके प्रचार करो, क्योंकि नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु ये प्रेम तुम्हारे लिए रख के गए है। और तब नरोत्तमदास ठाकुर कहते हैं ये प्रेम लेकर मैं क्या करूंगा, और प्रेम अगर मैं ग्रहण करूंगा तो क्या होगा। तो हाँ, तो वो कहते हैं, पद्मावती कहते हैं, प्रेम भरे पद्मावती नरोत्तम पाइया, हते तुले दिल प्रेम अभिष्ट हैया। पद्मावती कहे तुम्हें राखी भैया कति, खाइले मत तहवे सुन महामती। कहते ये प्रेम जो है, अब देखिए ये प्रेम ऐसा ऐसा ही है, अगर हम इस प्रेम को ग्रहण करें तो क्या हो जाते, पागल हो जाते। चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, किवा मंत्र दिला गुसाई किवा तार बोल, जपित जपित मंत्र करेला पागल। ये जो जप है, ये हरे कृष्ण महामंत्र है, वो क्या करते हैं, ये हमको पागल बना देते। और हो सकता है हम सब नहीं, जैसे दशविध नाम अपराध है, नाम अपराध की वजह से हमको हरिनाम में इतना टेस्ट नहीं मिल रहे हैं, लेकिन हरिनाम में इतना शक्ति है। नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति स्तरतर पिता नियमित स्मरणे न काल यथादिशी तरव कृपा नापी दुर्दैवम मृदिशम यहाँ जाने न अनुराग। मेरे अनुराग इसलिए नहीं क्योंकि दुर्दैवम मृदिशा मेरे अपराध की वजह से, इसका मतलब इसमें शक्ति है। पागल होके क्या करेंगे, दूसरा को भी पागल बनाएंगे। तो इस तरह से नरोत्तमदास ठाकुर, तब नरोत्तमदास ठाकुर प्रेम ग्रहण करते हैं, और करने के बाद जब पद्मावती से बाहर आते हैं तो नरोत्तमदास ठाकुर की जो बॉडीली कम्प्लेक्शन थे वो श्याम वर्ण के थे, काले कलर के थे, वो गोरे नहीं थे। लेकिन जब पद्मावती से बाहर आए हैं, आने के बाद तो गोल्डन कम्प्लेक्शन हो गया, चैतन्य महाप्रभु के कलर जैसे। अभी अभी उस तरह उनकी पिता माता देखे नरोत्तम दास ठाकुर घर पर नहीं है, और सबको पता है वो बहुत बहिरागी लड़का है भाई, कोई चीज की प्रति आसक्ति नहीं है, तो वृंदावन जाने के लिए भी सोचते रहते हैं, तो शायद वृंदावन चले गए हैं। तो उन लोग ढूंढते ढूंढते, तो एक व्यक्ति उस तरफ से जा रहे थे, तो देखिए कृष्ण गंगा दत्त और नारायणी देवी ढूंढ रहे हैं अपने लड़का को। तो वो व्यक्ति कहते हैं मुझे तो पता नहीं, मैं नहीं पहचानता हूँ नरोत्तमदास ठाकुर क्या नहीं है, लेकिन पद्मावती की जो तीर है जहाँ नदी की साइड पर, एक व्यक्ति क्या कर रहे हैं, लोको नहीं बुझे कि बाउले रो प्राय शने लापो दिया परे शने शने धाय। बोलते क्या कर रहा है, एक व्यक्ति पागल जैसे मतलब क्या कर रहे हैं, हरकत कर रहा है, और कभी जाम दे रहे, कभी इस तरह उस तरह भाग रहे हैं। कि बाबा देहर रूप रक्त लोम कुपे हा गौरंग बलि शने करे अनुतापे शने शने तनु है सूक्ष्म काष्ट प्राय पुलोके कंपित तनु शने गरी जाय गौरवर्ण देखी बापू चिनिते ना पारी देखिते नयन जुराय रूपेर माधुरी। उस तरह से देखने में बहुत सुंदर है और तो पागल जैसे है सोचो। तो कृष्णानंद और नारायणी देवी चाहते हैं जाने, बोलते नहीं नहीं ये तो नरोत्तम नहीं है, और रोने लगते हैं, बोलते हमारा लड़का कहाँ है। नरोत्तमदास कहते भाई क्या हो गया, मेरे पिता माता मुझे पहचान नहीं रहे। तो कहते मैं नरोत्तम हूँ। तो कहते नरोत्तम थोड़े ना हो यार तुम, हमारा नरोत्तम तो मतलब श्याम वर्ण की है। तो बोलते नहीं नहीं नहीं। उसके बाद उन्होंने बताया जो मैं इस यहाँ नहाने गया था, नहाने उठने के बाद इस तरह से रंग आ गया है। तब नरोत्तमदास ठाकुर उनके माता पिता को कहते हैं, कहते
देखो आप लोग समझो, मेरे मन नहीं है इस गृहस्थ आश्रम में जाने के लिए, तो प्लीज मुझे आप लोग एक घर संसार मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो मुझे वृंदावन जाने का आदेश दे दो। तो नरोत्तम दास ठाकुर की जो मम्मी है, ये सारे मम्मी ऐसे ही करते हैं, जितना ब्रह्मचारी है सबके एक्सपीरियंस है, जब ब्रह्मचारी बनने जाए तो रोने लगते हैं, तो मम्मी के रोने लगी, बहुत रोने लगी। तब नरोत्तम दास ठाकुर कहते आप मात्र हो, कोई क्या नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। ये सारे ब्रह्मचारी ऐसा कहते हैं, हम सबको एक्सपीरियंस है, बोलते मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन प्लान तो कुछ करते ही है। तो बोले मैं नहीं जाऊंगा, मैं वृंदावन कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं यहाँ हूँ, तो टेंशन मत करो। लेकिन वो मन मन में कहते हैं, कहते उनकी एक दिन वो उनकी मम्मी और पिताजी को बैठाते हैं, बैठाने के बाद कहते सुनो क्या हुआ, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बोले क्या हुआ, तो कहते गौरवर्ण एक शिशु हृदय पाशिल से हईते प्राण मोर एमन हईल। गौरवर्ण एक शिशु, एक छोटा सा बच्चा गौर वर्ण वर्ण की मतलब गोल्डन कम्प्लेक्शन की, वो मेरे हृदय के अंदर घुस गया है, ठीक है, और से हईते प्राण मोर एमन हईल। और उस टाइम से मुझे ऐसा लग रहा है मुझे घर पर रहने का मन नहीं कर रहा है, ना थकी आमी जावो वृंदावन राखीते तुम्हारा मोरे ना करो जतन। तो मम्मी एंड पापा जी प्लीज मुझे वृंदावन जाने का तो मन है ही फिक्स कर लिया और मैं जाऊंगा, तो मुझे मत रुको आप लोग। तब आप जानते हैं हमारा कई सारा फ्रेंड्स है जो ब्रह्मचारी थे, तो और सबको उनके इसमें एक है मेरे फ्रेंड रामा मोहन प्रभु थे, तो उनकी पिता माता को लगा उनको बहुत पकड़ लिया है, और बहुत सारा इस तरह से वो जागरा को लेके आए हैं, मतलब पीर लेके आए हैं, मंदिर पर भी आए थे, बाद में फाइनली लेके ही चले गए हैं, अभी घर पर है। तो इस तरह से नारायणी देवी और उनके नाम है कृष्णानंद दत्तो ने भी एक पीर को बुलाया है, बोलते हमारा जो नरोत्तम है उसको भूत पकड़ लिया है। तो वो कहते हैं ऊर्जा कहे भूतन है कुन एक देवता महावायु वेदी है जानिया सर्वता शिगाल मारियानो शिवा गृत करी वेदी न रही वे हवे रूपे माधुरी। तो कहते है जो पीर आए और कहते अच्छा अच्छा वो क्या है, भूत नहीं, वो एक देवता है, उसके अंदर घुस गया है, और उसको अगर आपको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, फॉक्स को क्या कहते हैं हिंदी में, जो शियाल कहते हैं बंगाल में, लोमड़ी, लोमड़ी, तो ये जो लोमड़ी है उसको मार के उसकी जो तेल है शरीर की ये निकालना पड़ेगा, अगर ये उनको पिलाओगे तो ये चले जाएगा, मतलब ये भूत। नरोत्तम दास ठाकुर कहते क्या, तो नरोत्तम दास ठाकुर कहते पिता माता को, बोलते एक तो पाप कर रहा है मुझे रुक के, मुझे यहाँ वृंदावन जाना है, आप लोग जाने नहीं दे रहे, और दूसरा इधर एक लोमड़ी को मार के पाप करोगे, दूसरा इस तरह से मत करो, मुझे जाना है। पिता माता व्यधि न है जावो वृंदावन, वृंदावन नाम करी करो एक क्रंदन, और वृंदावन जाने के लिए रोने लगे, और बोलते पिता माता को कहते आप लोग क्यों समझ नहीं रहे, मेरा कोई बीमारी नहीं है, मुझे वृंदावन जाने का मन है, बस यही है। तब नरोत्तम दास ठाकुर रोने लगते हैं और उनको मन में कोई शांति नहीं है, पहचान ही है, उनको बस वृंदावन की हमेशा सोचते रहते, हरी हरी विफल जन्म गुआई नु, इस तरह से बोलते हरी हरी कवे हबो वृंदावन वासी नयन निरखिब जुगल रूप राशि। तो कहते हरी हरी कब मैं वृंदावन जाऊंगा, कब मैं जाके चैतन्य श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी के रूप को दर्शन करूंगा, इस तरह से वो चिंता करने लगे। तब उसी गांव में खेतुरी गांव में एक ब्राह्मण रहते थे, उनके नाम है कृष्णदास। हमारे पास और 7 मिनट है, तो पता नहीं हम और एक सेशन लेंगे नरोत्तम दास ठाकुर के ऊपर, अभी तक तो हम उनके वृंदावन ही नहीं जा पाए, उसके बहुत सारा लीला है उनके जीवन में, तो हम कुछ ये बताने की बात, वृंदावन जाना, वृंदावन जाएंगे नरोत्तम दास ठाकुर, उसके बाद जगन्नाथपुरी जाएंगे, मायापुर जाएंगे, फिर से खेतुरी गांव में आएंगे, और उसके बाद बहुत सारे लीला होते हैं वहाँ, तो उस लीला से
एक दो लीला लोगों को आज शेयर करेंगे, क्योंकि आज तिरुभाव तिथि है तो इसलिए हम तिरुभाव लीला बता देंगे अभी, और बीच में जो जो लीला है वो हम दूसरा सेशन में चर्चा करेंगे। तो वो कृष्णदास जो ब्राह्मण है उनसे श्रीनिवास आचार्य प्रभु के बारे में सुनते हैं। श्रीनिवास आचार्य प्रभु किस तरह से वृंदावन में गए हैं, तो चैतन्य महाप्रभु कितना प्रिय पार्षद है, और तो श्रीनिवास आचार्य की बात जब सुनते हैं तब तब नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, श्रीनिवास आचार्य रही प्रसंग सुनिते स्वाभाविक प्रेमेर उदय हईल चिते, नरोत्तम व्यग्र चित्ते चिंते मने मने ना जानी इहार संग पाव कत दिने। तो नरोत्तम दास ठाकुर सोचने लगते है कब मैं श्रीनिवास आचार्य की संग मिलेगा मुझे, कब मैं जाऊंगा वृंदावन। तो इस तरह से एंग्जाइटी होना चाहिए भक्ति में। देखिए जिस तरह से भक्ति में एंग्जाइटी भक्ति करने के लिए होनी चाहिए, है ना, क्योंकि देखिए नरोत्तम दास ठाकुर हमेशा चिंता में है, क्यों, किस तरह से वृंदावन जाए, किस तरह से वो श्रीनिवास आचार्य की संग पाए। तो इस तरह से भक्त संग करने के लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा, वो शुड फील लाइक प्रोग्राम संडे फीस्ट प्रभु जी बस जाना है हमको, इस तरह से नहीं है। देखिए तो इसलिए कहते हैं अति परिचया तो अवज्ञा, हमको बहुत आसानी से भक्त के संग मिल गया है इसलिए हम अवज्ञा कर देते हैं उसको। लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर क्या सोच रहे हैं, कब मुझे मौका मिलेगा, कब मिलेगा मौका मुझे श्रीनिवास आचार्य की संग करने का। तब वो उस दिन रात को सो जाते हैं, और सोने के बाद चैतन्य महाप्रभु आते हैं सपना में, और चैतन्य महाप्रभु के रूप के वर्णन किया जा रहा है वहाँ। चैतन्य महाप्रभु के रूप किस तरह से अजान लंबित भुजो का नकाबदा, तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु उनको बोलते नरोत्तम एक काम करो, तुम वृंदावन जाओ, मैं तुमको आदेश देता हूँ। तो वो ये आदेश प्राप्त करके बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और चैतन्य महाप्रभु के चरण को पकड़ लेते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जब चरण पकड़ लेते हैं चैतन्य महाप्रभु, तब उनकी नींद जो सपना है वो तोड़ जाते हैं। तो रुकने के बाद फिर से वो रोते रोते फिर से सो जाते, फिर से चैतन्य महाप्रभु सारे पार्षद लेकर उनके सपनों में आविर्भूत होते हैं। और सपनों में कौन कौन पार्षद आते हैं, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, श्रीवास ठाकुर, सब उनके जितने पार्षद है। और चैतन्य महाप्रभु नरोत्तम दास ठाकुर को एक एक के पास लेके जाते और कहते इसको आशीर्वाद करो, क्योंकि हमारा जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है और सामने वही लेके जाएंगे हमारा नरोत्तम दास ठाकुर। तो इसलिए तो उसके बाद और सब नित्यानंद प्रभु सब लोग मिलके उनको क्या दिया, परमिशन दिए वृंदावन जाने के लिए चैतन्य महाप्रभु जितना पार्षद। उस टाइम पर क्या हुआ, एक बार कृष्णा कृष्णानंद की जो राजधानी है केतुरी में एक मुसलमान राजा थे। तो मुसलमान राजा वो नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में सुने, उनकी महिमा के बारे में बहुत वैराग्य है, तो उनको देखने का इच्छा हुई जो नरोत्तम दास को मुझे देखना है। तो नरोत्तम दास ठाकुर बोले बढ़िया मौका है, अभी बस अभी जाएंगे वृंदावन। तो नरोत्तम दास ठाकुर बोले ठीक है, उनकी मम्मी पापा को कहते मैं जाता हूँ राजा से मिल के आता हूँ। तो बोलते हाँ हाँ जाओ राजा से मिल के आओ। और उनकी मन में तो प्लान है भाई, मने मने नरोत्तम हईलो आनंद, नरोत्तम दास ठाकुर मन मन में बहुत आनंद हो रहा है, सहाय करिलो मुरे प्रभु नित्यानंद, बोले नित्यानंद बोलो तो एक कृपा की है मुझे, बर दया कहिला मुरे प्रभु नित्यानंद, उद्वेग ते निद्रा नहीं मने रो आनंद। और उस दिन जिस दिन जाना है उस दिन रात को सो नहीं पा रहे, बोले क्यों, क्योंकि मन में कितना आनंद है, बस आज भागेंगे हम वृंदावन की तरफ, राजा से कहां मिलने जा रहे हैं, वो तो वृंदावन जाने की प्लान कर रहे हैं। तब वो क्या करते हैं, मेन रोड से नहीं जाते, वन जो वन फॉरेस्ट के अंदर से रोड है उस तरफ से जाते हैं और भागते भागते जाते हैं। तो अब सोचो 12 साल उम्र में अगर कोई इस तरह से भाग रहा है तो थक जाते हैं, और एक बार वो थक गया है, थक जाने के बाद वो सो गया है। सोने के बाद चैतन्य महाप्रभु आते हैं एक बच्चा के, जिस तरह से माधवेंद्र पुरीपाद की लीला है, माधवेंद्र पुरीपाद तो कृष्ण दूध पिलाने के लिए आते हैं, इस तरह से चैतन्य महाप्रभु भी एक बच्चे की रूप लेकर ब्राह्मण होकर आते हैं। आके कहते हैं नरोत्तम नरोत्तम उठो या दूध पी लो, और ये दूध पीने के बाद क्या होगा, तुम्हारा शक्ति आ जाएगा और तुम फिर से वृंदावन जा पाओगे। नरोत्तम दास ठाकुर इतना टायर्ड हो गए, इतना गहरे नींद में चले गए हैं और सुने नहीं पाए। तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी उनके सपनों में आते हैं, नरोत्तम
ये तुमने क्या किया? अभी चैतन्य महाप्रभु आए तुमको दूध पिलाने के लिए और तुमने उठे ही नहीं। अभी दूध यहाँ रख के गए, ये उठो उठ के पियो। तो नरोत्तम दास ठाकुर उठते हैं, उठने के बाद बहुत रोते हैं। अब सोचो किसी को चैतन्य महाप्रभु आके दूध देके गए और हम समझ ही नहीं पाए, है ना, तो कितना दुख होगा। तो नरोत्तम दास ठाकुर बहुत दुख हो रहा है। तो वो दूध पीते, दूध पीने के बाद उनको फिर से शक्ति आ जाता है, तो फिर से वो वृंदावन के उद्देश्य में जाने लगते हैं। तो हम हमारा नेक्स्ट सेशन में वृंदावन जाने के बाद तो क्या किए हैं वो चर्चा करेंगे। आज कुछ उनके जो लीलाएं हैं, ये एक दो लीला हम सुनते हैं और हम कई दूसरा टाइम पर जो वृंदावन से शुरू करके खेतुरी गांव तक किस तरह से क्या क्या लीला हुई उसके बीच में चर्चा करेंगे। तो मैं मीटिंग को यहाँ एंड करता हूँ क्योंकि हमारे पास एक मिनट बचा है, एंड जो जो फिर से ज्वाइन कर सकते हैं, हम तीन चार लीला, बस दो तीन लीला श्रवण करेंगे, उसके बाद हम आज के नरोत्तम दास ठाकुर की तिरुभाव तिथि में जो सेशन है आज यहाँ एंड करेंगे। तो इसलिए बस और 10-15 मिनट। तो हरे कृष्ण। So please everybody join, style and the meeting now.